हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट बर्फी और ये हम गीले नारियल से बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ एक कोकोनट लिया है और इसका छिलका हमें निकाल देना है। ऐसे ही हमें सारे कोकोनट का छिलका निकाल लेना है। तो हमने कोकोनट का छिलका निकाल लिया है और अब हमें इसे ग्राइंडर में दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो हमने इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे पकाएंगे। तो हमने यहाँ गैस पर एक पैन रख दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच घी। और अब हम इसमें डाल देते हैं कोकोनट। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा पका लेना है। तो कोकोनट हल्का सा पक चुका है और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक कप दूध। और इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं एक कटोरी मिल्क पाउडर। और हम इसे बनाने में शक्कर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा आता है और इसमें नारियल की मिठास भी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा शक्कर डाल सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से टाइट नहीं हो जाता। तो देखिए ये अच्छा टाइट हो चुका है और अब हम इसकी बर्फी जमा देंगे। तो बर्फी जमाने के लिए हमने यहाँ एक बटर पेपर लिया है और इसके ऊपर हमने घी लगा दिया है। अब बर्फी का मिक्सचर हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसे हम स्पैचुला से अच्छे से सेट कर देते हैं। अब इसे हमें 15 से 20 मिनट तक सेट होने देना है। तो ये सेट हो चुका है और अब हम इसकी बर्फी काट लेते हैं। तो नारियल की बर्फी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।